मुकेश खन्ना भारतीय धारावाहिक जगत की लोकप्रिय महाभारत सीरियल में गंगापुत्र भीष्म पितामह के बेजोड़ अभिनय से आज वर्तमान में भी लोकप्रिय है। मुकेश खन्ना, जिनको बच्चे भी शक्तिमान के रूप में बहुत पसंद करते हैं, मुकेश खन्ना बॉलीवुड एंड टेलीविजन में अपने दमदार अभिनय से बहुत ही लोकप्रिय है। मुंबई के उपनगर कांदिवली में स्टार रिपोर्ट मैगजीन के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया सुनीता हुंडिया ने स्टार रिपोर्ट टीम के साथ मुकेश खन्ना से सदिच्छा भेंट की। इस अवसर पर मुकेश खन्ना ने 18वें मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का विमोचन किया। भारत देश का अमृत काल चल रहा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों ने भारत देश का नाम रोशन किया है। उनके इन कार्यों में से 75 उम्दा कार्यों को स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में व्यंग चित्रकार राज पाटिल द्वारा रेखांकित मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र बुक को तैयार किया गया है। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने मुकेश खन्ना का तिरंगा दुपट्टा सुवर्ण पुष्प कार्टून ट्रॉफी एंड स्टार रिपोर्ट मैगजीन की विशेष व्यंग चित्र बुक मोदी राज में हार्दिक देकर के उनको सम्मानित किया। मुकेश खन्ना ने कार्टून बुक की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यंग चित्र बुक प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी कार्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से बुक के माध्यम से बताया गया है। मुझे आपका यह आइडिया बहुत पसंद आया है। इस दौरान स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया सुनीता हुंडिया व्यंग चित्रकार राज पाटिल सह संपादक रश्मि दवे जागरण जंक्शन के संपादक एवं क्रिएटिव हेड आशुतोष गुप्ता प्रभुता शुक्ला उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वो उत्कृष्ट कार्य किए जिससे विश्व के अंदर भारत देश का डंका बजा है। हमने पहली बार विश्व के अंदर एक कोशिश की है कि व्यंग चित्र द्वारा एक सकारात्मक मैसेज दुनिया के अंदर जाए। मैंने मेरी कल्पना राज पाटिल कार्टूनिस्ट ने बताई, कार्टून राज पाटिल और एक मेरा एक इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हमने सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ऊपर 84 कार्टून की बुक बनाई थी, उसके बाद लोकमान्य तिलक जी के ऊपर और तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर हम एक व्यंग चित्र की बुक लेके आ रहे और हम 75 वो महानुभाव से इनोग्रेशन करा रहे जो महानुभाव को खुद का एक नाम हो। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे यशस्वी पुरुष जिन्होंने महाभारत के अंदर ऐसा किरदार निभाया था, आज भी लोग उनको देखते सीधा भीष्म पितामह बोलते और एक रिस्पेक्ट की नजर से देते हैं। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं मुकेश भाई आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, आपने आज हमें समय दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। कोई यही कह सकता आयुष्मान और पुत्र आयुष्मान। आप भारतीय जानना चाहते हैं भारतीय वीरों का गौरवशाली इतिहास। सर मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया है कि गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक जब आओ आप नदी के थ्रू आपको सब हिंदू नाम मिलेंगे। बिल्कुल, अम्बा का मंदिर, शिव जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर। जैसे ही आप हर की पौड़ी क्रॉस करके रुड़की से आप जब पूरे नीचे तक आते हैं मंगलादेश तक गिरतजा, आपको हर पांचवा दसवां नाम मुस्लिम मिलेगा, मिर्जापुर या बाद या वो। और मैंने कहा कि क्यों है, चेंज कीजिए उसको। मुगलों ने डाला है डेफिनेटली अपना नाम, हम आजाद हैं आज, हम क्यों उसको 60 सालों से खींच के आ गए हैं। एवरी नेम शुड बी चेंज। तो मैं भी इनके साथ हूँ मोदी जी कि अपने इतिहास खुद लिखो, हमारा इतिहास दूसरों ने लिखा है। सही। सो ग्रेट कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी के बारे में इतना ही कहूंगा क्योंकि आप मोदी जी की ही तो बात कर रहे हैं कि मोदी जी को अगर किसी तरह से भी शकुनी के भांजों ने या किलिविश के बाशिंदों ने हटा दिया तो हमारा देश 50 साल तक पीछे चला जाए। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ मोदी जी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। इतने विजन है उनका। सो आई एम विद यू प्रेजिंग मोदी जी और ये बहुत अच्छा तरीका आपने किया है। मेरा वेद ऐसा सुपुत्र मेरी सेवा में अर्पण करने के लिए इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा। ये बात सही। कल तो बात क्लियर कर दी ना कि ऐसा पुरुष जो भाषण में कल उन्होंने जो बोला, कौन गिरी थे, कौन महाराज शायद गिरी, उन्होंने कहा ना कि ये जो हैं वो जो तपस्वी हैं। तो हमें ऐसे चाहिए जो ग्रेट।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवदूत दशरथ बिहारी राम सिया।